खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य से, जहां विंध्य के रीवा मान नवागत एसपी के द्वारा बेहद बड़ी कार्यवाही की गई। अपना परिचय को बताया गई कि रिश्वतखोर थाना प्रभारी समान थाना उपनिरीक्षक रानू वर्मा का लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह वक्त के यह बेहद बड़ी खबर ही, जहां एमपी संदेश न्यूज 24 के खबर के बेहद बड़ा असर भा है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल भामकन इस्तिबारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना पंचक बताया दी नवागत एसपी विवेक सिंह के द्वारा जो है रीवा जिला के कमान संभालता है भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का सबक सिखावे के काम शुरू कर दिया गया है। उनके पहले झोकामा थाना प्रभारी समान टीआई सुनील कुमार गुप्ता और वहीं पदस्थ महिला उपनिरीक्षक रानू वर्मा पर गाज गिर गई है। कुछ दिन पूर्व दोनों के विरुद्ध जो है लोकायुक्त में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया रहा, परंतु राजनीतिक दबाव के चलते उन पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से न निलंबन की कार्यवाही हो रही न विभागीय जाँच की जाए के आदेश जारी हो रहे। मजे की बात यह है कि नवागत एसपी के द्वारा जिला के राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी के परिचय बैठक लेंगे, जौने मा रिश्वत कांड के आरोपी टीआई सुनील कुमार गुप्ता शामिल रहे। मीडिया मा चली खबर का नवागत एसपी के द्वारा संज्ञान में लेत कि रविवार के दिन टीआई सुनील कुमार गुप्ता और महिला उपनिरीक्षक रानू वर्मा का पुलिस लाइन मा जो है अटैच कर देगा, लाइन हाजिर कर देगा और एक आदेश जारी कर देगा। और अपना पंचक बताया दी होटल चलावे खातिर जो है 20,000 के रिश्वत के मांग की गई रही और यह वह पूरा मामला रहा जौने माँ ये दोनों रिश्वतखोर पुलिसकर्मी का लाइन हाजिर किया है। अपना पंचक बताया दें कि थाना के सामने गोगो गेस्ट हाउस संचालित रहा, जेका चलावे खातिर होटल संचालक सुखेन सिंह भदौरिया से 20,000 रुपया के प्रतिमाह रिश्वत मांगे के मतलब लेके दबाव बराबर रहे। इतने नहीं वर्दी के ढौंस दिखाई के टीआई सुनील कुमार गुप्ता और महिला उपनिरीक्षक रानू वर्मा के द्वारा 24 मार्च से मार्च का होटल से होटल का खुले नहीं दे रहे और होटल चलावे खातिर 40,000 रुपया प्रतिमाह की मांग कर रहे, जो सौदा 20,000 रुपया प्रतिमाह के रूप में द्रोह के बीच तय भरा। अपना पंचक बताया दी समान थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता के निर्देशन पर महिला उपनिरीक्षक रानू वर्मा के द्वारा 24 मार्च का थाना के सामने गोगो गेस्ट हाउस में दबिश दी गई रही और दबिश के दौरान यह बात के प्रोपोगंडा बनावागा कि गोगो गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट के काम चलत है, जबकि वहाँ यह तरह की कोनो बात नहीं निकली रही। तब गोगो गेस्ट हाउस के संचालक सैलेन सुखेन सिंह भदौरिया पर होटल में अवैध रूप से शराब पियावे के जो है अपराध पंजीबद्ध कई के न्यायालय में पेश कर दिया गया रहा। न्यायालय द्वारा होटल संचालक सुखेन सिंह भदौरिया का अर्थदंड से दंडित किया गया रहा। होटल के बदनामी और पैसा के मांग गिंजाय से रुष्ट हुई के गेस्ट हाउस संचालक के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई रही, जैसे लोकायुक्त का के द्वारा संज्ञान में लेत किन टीआई सहित महिला उपनिरीक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गए। अपना ऑब्जेक्ट बताई दी यह मामला में जब हमारे द्वारा एसपी विवेक सिंह रीवा से बातचीत की गए तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी तक लिखित रूप से हमारे पास लोकायुक्त से कोनो पत्र नहीं आवा है, मीडिया विभाग से मिली खबर पर अभी दोनों का लाइन अटैच कर दिया गया है, लिखित रूप से मिले पर निलंबन की कार्यवाही की जाए। निश्चित तौर पर यह नवागत पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के ये बेहद बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा लगा है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो जीरो टॉलरेंस नीति के बात कर रहे थे और निश्चित तौर पर ओ माँ कहो न कहो ये एक बेहद बड़ी पहल मानी जा रही, कहे कि समान थाना माँ यम ए के रिश्वतखोरी के आरोपी का पदस्थ होब जबकि 48 घंटा के वक्त मिल गया रहा, लेकिन रविवार का एसपी विवेक सिंह के द्वारा यह बड़ी कार्यवाही की इनके जैसे कहो न कहो जनता के बीच में एक बेहतर कहा जाए माहौल है और यह कहा जा लग है कि निश्चित तौर पर विवेक सिंह के द्वारा रीवा जिला की कानून व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त रखे माँ कौनों कोर कसर न छोड़ी जाए। तो आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।